बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंट एंड मैच का एक गेम हम बनाएंगे एक्सेल में। चेक योर चाइल्ड आईक्यू लेवल कर सकते हैं उससे आप अपने बच्चे का क्या है लेवल। उसमें जैसे छोटे बच्चे को हम कुछ पॉइंट्स या नंबर्स शो करेंगे तो वो काउंट करके बताएगा कि ये 4 है, 2 है, 3 है, 1 है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। एक किड्स गेम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम को बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रॉ को। रॉ हाइट 28.50, 3 से 4 रॉ के अंदर ये हम बनाएंगे, ठीक है जी। और इसको मैं अब यहाँ पर कैपिटल के अंदर आई जी बी और ए लिख रहा हूँ और इन सभी को सेल को मुझे अलाइन सेंटर मिट करना है, बड़ा करना है ऐसे। और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डब्लू प्रेस कर रहा हूँ। डब्लू प्रेस करके यहाँ पे वेंडिंग्स का फोल्ड आएगा, ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। जैसे वेंडिंग सिलेक्ट करेंगे कुछ यहाँ देखें इस तरह से ये पॉइंट्स लिखे हुए आ गए। अब यहाँ पर मैं 3, 2, 1 और 5 कर रहा हूँ। अब ये मैच करना है। मैच करने के लिए हम इसको इंसर्ट से शेप की मदद से भी करवा सकते हैं कि अब 3 कहाँ पर है तो ये इस तरह से मैच होगा, 2 कहाँ पर है ये इस तरह से मैच होगा, ठीक है जी। इसी को अगर हम बात करें यहाँ से कंट्रोल के साथ ये इस तरह से आएगा। फिर अगर 1 है तो फिर 1 कहाँ पर आ रहा है इस तरह, इसका मज़ीद यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है जी। तो एक तो तरीका ये, इसके अलावा ये अगर हमें यूज नहीं करना, यहां मैं कर लेता हूं 3, 5 यहां पे 2, ये इसको 5 को हम इधर कर लेते हैं और 1 को इधर कर लेते हैं, 2 को इधर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको अगर हमें टाइप करके सही चेक करवाना है कि भाई अब इधर टाइप करना है कि यहाँ पे ये कितनी वैल्यू है, ये अगर सही है ये सही नहीं है तो यहाँ पर क्या वैल्यू सही है। तो यहाँ जैसे 5 लिखे हैं तो ये ग्रीन कलर हो जाए और अगर गलत लिखे तो रेड कलर हो जाए और अगर खाली हो ब्लैंक तो फिर वाइट में रहे। तो फिर इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे हम और व्यू में जाएंगे, यहाँ से हम न्यू रोल, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन देंगे, ठीक है जी। यहाँ से हम बिटवीन सेल वैल्यू इक्वल टू होगी। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी सेल के लिए के 5, तो यहाँ पर हम 5 टाइप करेंगे और जब 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉन्ट बोल्ड और यहाँ से डार्क हो जाए ग्रीन, ओके। अब देखें यहाँ पर अगर ये सही लिखेंगे तो ये कलर इस तरह आएगा और अगर कुछ गलत लिखते हैं तो रेड आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इसको न्यू रूल करेंगे, यूज फॉर्मूला करेंगे, इसमें हम जाएंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल होगा 5, तो इस सेल में क्या होना चाहिए फिल, रेड हो जाए बोल्ड और यहाँ से वाइट, ओके ओके। अब ये गलत आ गया तो रेड, सही होगा तो 5 सही है, कुछ भी लिखेंगे तो रेड, ब्लैंक होगा तब रेड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम जाएंगे इसके अंदर मोर रूल्स और यहाँ पर हम इसको कर देंगे इस दफ़ा ब्लैंक। ब्लैंक में क्या होना चाहिए, हमने कहा फॉर्मेट वाइट सेल आना चाहिए और यहाँ पे वाइट ही शो होना चाहिए, ओके ओके। अब जब लिखेंगे यहाँ पे तब ये रिजल्ट शो करेगा वरना तो ब्लैंक रहेगा अगर हम खाली रखेंगे इसको। तो सेम इसी तरह से ये तीनों के लिए भी हमें यूज करना है। एक और मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप इसको अगेन अपना जो होगा वो आप क्रिएट करेंगे इस तरह से। इक्वल टू सेकेंड वैल्यू किसके बराबर होगी, 1, और 1 के साथ हमें जो फॉर्मेटिंग चाहिए थी वो हमने यहाँ पे सेट कर ली, फॉन्ट बोल्ड, ओके ओके ओके। और फिर दूसरी वैल्यू नॉट इक्वल, ठीक है जी। नॉट इक्वल के लिए फिर यहीं पे आएंगे और यहाँ पे सेकेंड नॉट इक्वल किसके, नॉट इक्वल 1, यानी 1 के अलावा जो होगी उसमें वही रेड कलर आ जाएगा फिल और फॉन्ट बोल्ड होकर वाइट, ओके ओके। और ब्लैंक, ब्लैंक में क्या होगा, वाइट। तो यही आपको सबके लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी, कंडीशन फॉर्मेटिंग।
अब यहां पर कुछ और वैल्यू आएगी तो ये रेड हो जाएगा, सही वैल्यू लिखेंगे तो ये इस तरह कलर में आएगी, और ब्लैंक होगी तो ये वाइट हो जाएगा। तो यही स्टेप आप इन दोनों के लिए भी करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, वीडियो पॉज करके मैंने ये कंप्लीट कर ली कंडीशन फॉर्मेटिंग, ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने कंडीशन के लिए चेक करने के लिए वही कंडीशंस दी हैं जो फर्स्ट दो पे अप्लाई करी थी। ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं इस तरह से मैनेज, और यहाँ पे सारी कंडीशन जो भी आपने कंडीशंस यूज़ की होंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, क्लियर के लिए डिलीट क्लिक करेंगे यहाँ से। अब बाकी ग्रिड लाइन्स को शो करना है तो देख लें, वरना तो यहाँ से आप चेक हटा सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं सेल में एंट्री अलाउ करनी है आपको, तो फिर आप ऑल सेलेक्ट करें, ठीक है जी। और ये वाली जो एंट्री और ये कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करके अनसेलेक्ट कर दें, और यहाँ से होम में जाकर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर से लॉक हटाएं, और लॉक हटाने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड क्लिक कर दें, ठीक है जी। प्रोटेक्ट शीट या पासवर्ड की जगह हम ये भी कर सकते हैं, इधर से हम जितना भी एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट फॉर्मेट में जाके हाइट कॉलम, बाकी यहाँ से ये भी हाइट कर देते हैं, और यहाँ से ये भी हाइट कर देते हैं, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और यहाँ से ये भी हाइट कर देते हैं फॉर्मेट में जाके अनहाइड हाइड रोस। अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। अब सिंपल आपको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर अब आपको इंट्रीज करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है जी। अगर सही एंट्री है तो यहाँ पे ग्रीन, नहीं तो राइट। अब जैसे 1 है यहाँ पे 3 लिखा रॉन्ग हो गया, 1 लिखा सही हो गया, और इसी तरह यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2, तो ऑल ये ओके हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से और चीज़ें भी इसमें मजीद कर सकते हैं हम, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जा रहा हूँ, अनहाइड रो अनहाइड कॉलम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये बराबर है 5, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल में पी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वरना तो कैपिटल में ओ, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। और इसको फिर मैं नीचे ड्रैग करूंगा और इसमें कंडीशन में दे दूंगा 1, इसमें मैं दे दूंगा यहाँ पे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए 3, तो पी आए वरना तो ओ हो जाए, और यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए 1 2 सॉरी, ठीक है जी। यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, इसको हम यहां से इग्नोर करते हैं, और यहां से इसको फॉन्ट बड़ा करके यहाँ से वही W प्रेस करेंगे, और इसको ऑन करके यहाँ से विंडिंग 2, ठीक है। जब देखे कोई गलत एंट्री करेगा तो यहाँ पे 6 कलर जो हो गया रेड, और ये क्रॉस बना हुआ आ गया, तो ये सही टाइप होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अब ये टोटल 4 है। अब इधर हम यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ, और इसको सिलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा पी, अगर ये बराबर होता है 4 कॉमा तो क्या लिखा हुआ चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, ऑल इज डन,
नहीं तो यहां पर लिखा हुआ है ट्राई अगेन। या फिर ब्लैंक लिखा हुआ जाए यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, एक तरह के रिमार्क्स होंगे ये हमारे यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ, अलाइन राइट कर रहा हूँ, ऑल इज डन। और अगर कोई गलत हो गया तो यहाँ ब्लैंक, और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉलम विड्थ को कम कर रहा हूँ मैं, अब चेक करें यहाँ पे, ऑल इज डन। और इसमें भी एक मजीद काम हम कर सकते हैं, इसको मैं अनमर्ज कर रहा हूँ, और यहां से मैं इसको कर रहा हूं मर्च, मर्च के साथ एरर को मैं कर रहा हूं इग्नोर, और यहां से मैं इधर एक कंडीशन दे रहा हूं इक्वल इफ, अगर ये बराबर है ऑल इज डन इनवर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नहीं तो फिर कॉमा यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है जी, और यहाँ से इसको वही बॉर्डर कर लेते हैं आउटसाइड, और इसको मैं यहाँ से मर्ज करूँगा, और यहाँ से इसको भी इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइन मेट बोल्ड, और यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये ऑल इज डन। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है अभी ये। ठीक है जी, अब ब्लैंक में यहाँ कुछ नहीं आए तो हम इसको क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे, और ये मैंने इसका वो चेंज किया हुआ है फॉन्ट, तो ये इस वजह से इस तरह से आ रहा है। इसमें हमें क्या करना होगा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, व्यू में जाकर फॉर्मूला कैरी डाउन करता हूँ, और यहाँ पर कंडीशन यूज करते हैं हम, इफ इस सेल को मैं कह रहा हूँ बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए, कॉमा होना तो ये कंडीशन चलाए। ठीक है जी, सेम इसके अंदर भी यही काम करना है बस, इफ सेल बराबर है ब्लैंक तो ब्लैंक, नहीं तो कंडीशन चलाए। तो ये थोड़ा सा एडिट कर लिएगा, इफ ये सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, और फिर लास्ट कंडीशन में भी यही आएगा, इफ सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए। अब देखें यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ आ रहा था, अब अगर कोई डेटा एंट्री नहीं है तो क्रॉस का साइन बना हुआ नहीं आएगा, अब जब हम ये लिखेंगे तब वो आएगा, वरना तो ब्लैंक पे नहीं आएगा, और सही होनी चाहिए तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, अब जब सब राइट हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया ऑल इज डन। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे इस तरह से एंट्रियाँ करवानी है, और जो सही टाइप करेंगे तो ग्रीन, सही नहीं टाइप करेंगे तो रेड। देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के अंदर, अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
कंट्रोल सी, और इसके अंदर सेल में जब इक्वल टू कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए तो ये इस तरह से आ जाए, और इसमें ऑल इज डन कॉपी कर लेता हूँ। जब यहाँ ऑल इज डन लिखा हुआ है फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेट इक्वल, और यहाँ पर ग्रीन हो जाए, जब ऑल सही हो जाएंगे तो इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब एंड के अंदर इसके अंदर एक और काम हो सकता है, ये हमने खुद बनाया है बड़ी मेहनत से, तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप चाह रहे हैं आपके कोई फॉर्मूले वगैरह इस तरह से शो नहीं हो, ठीक है जी, और इन सेल में हमारे पास वर्किंग हो जाए, ठीक है जी, इन सेल में सिर्फ एंट्री हो, बाकी यहाँ पर कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ रहे हैं फॉर्मेट में लॉक सेल, इनका लॉक हटा देंगे, ये वाले जहाँ हमें एंट्री अलाउ करवानी है उनका लॉक हटाएंगे, बाकी ऑल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे प्रोटेक्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे सिलेक्ट अनलॉक सेल, क्योंकि बाकी में हमारा कोई काम नहीं होगा, तो सिलेक्ट लॉक सेल का चेक हटाएंगे, और यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर कर दें, जो भी पासवर्ड इंटर करना है वो पासवर्ड इंटर कर दें। अब इन सेल में देखें यहाँ पे कुछ एडिटिंग ही नहीं होगी, क्लिक ही नहीं होगा, बस आपको यहाँ पे जिनको अलाउ करवाना है चेक कराने के लिए अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सही टाइप करेंगे तो जो नंबर राइट टाइप करेंगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, गलत दिखेंगे तो राइट। और इन सेल में है क्लिक ही नहीं हो रहा, तो क्लिक नहीं हुआ या फॉर्मूले भी आपके सामने नहीं आएंगे, क्या फॉर्मूले हैं, कैसे काम हुआ हुआ ये सारा, तो ये आपका अपना डिज़ाइन हुआ हुआ, डिज़ाइन करके कोई भी चीज़ आपको इस तरह से अपना फॉर्मेट प्रोटेक्ट करना है तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जिन जगह पर आप चाह रहे हैं कि इन चीज़ों सिर्फ वही अलाउ कर सकते हैं आप चीज़ें, तो ये भी एक तरीका होता है अपने फाइल्स को अपने काम को प्रोटेक्ट करने का। और अगर कंडीशंस फिर मैंने बता दी इस तरह रखना तो ये रख लें, वरना तो फिर मैंने इलस्ट्रेटर में अपना शेप्स का ऑप्शन भी दिया था कि अगर ड्रॉप एंड ड्रैग वाला ऑप्शन रखना है तो प्रोटेक्शन के फिर तरीके जो है वो अपने हिसाब से आप चेंज करके रखेंगे, क्योंकि ड्रॉप एंड ड्रैग में फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, और फिर इन सेल को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर इंसर्ट में जाके शेप्स वगैरह जो होंगे इसको आप एडिट करके इस तरह से भी ड्रॉप एंड ड्रैग करा सकते हैं, ये भी एक तरीका होगा, ठीक है जी, जो मैंने स्टार्ट में बताया था। थ्री कहाँ पर है, तो ये थ्री आ गया यहाँ पे, एरोस से भी हम रिफाइन करवा सकते हैं, फाइव वन कहाँ है, ये वन हो गया, फाइव कहाँ है, ये फाइव हो गया, ठीक है जी, एरो यूज करेंगे, फाइव ये आ गया, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो बच्चों के साथ ये बनाकर प्ले करने का आपको मैंने एक आइडिया दिया है, इस तरह से आप गेम कर सकते हैं, आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं, या खुद ग्रोथ कर सकते हैं बच्चे को, अपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट होगा उसका कि भाई आप ये बताएं काउंटिंग बताएं, तो इस तरह से बनाकर एक प्रोग्राम अपना रन कर सकते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी इस तरह से दिए जाते हैं लेसन्स वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह, प्ले ग्रुप्स हो गए, नर्सरीज हो गए, तो इसको मैंने कहा एक्सेल में क्यों ना डिज़ाइन करके इसको बनाया जाए, घर में आप इस तरह से उसको यूज़ करवाएं बच्चे को, तो माइंड उनका होगा थोड़ा सा कंप्यूटर की तरफ भी रुझान आएगा, और आप अपना भी यहाँ पे इसमें इस तरह से कोई एडिटिंग करके ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ ये चीज़ें बनाएं। ऑप्शंस बताने का मकसद ये होता है आप इसको अप्लाई अपने माइंड से करें कि कहाँ पे क्या चीज़ इससे आप कर सकते हैं, तो वो मैंने एक आइडिया आपको दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस तरह के आइडिया आप अपने माइंड से और इसमें मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।